का जनता का समर्थन नहीं, वो सरकार यहां आके बैठी है। हमारे लोगों को खरीद परोस करके ये नया सरकार बना ली, ये चोरी से ये सरकार हो गई है। हमारे एमएलए को चोरी की है और चोरी करके ये सरकार बन गई। उसूलों पे नहीं बनी ये सरकार, जो बनी है अधिकार के लिए, और केंद्र सरकार ने अपना पूरा जोर इसको लगाया, क्या कि सबको या ईडी केस डालना, सीबीआई का लगाना, सीबीसी का लगाना, फॉल्स एफआईआर डालना, ऐसे डाल डाल कर लोगों को तंग की है। तंग करके अब अपने कब्जे में उनको ली, लेकर बाद में बोले कि देखो आपके ऊपर ये केसेस है, आप हमारे साथ रहेंगे तो ये केस छूट जाएगा, अगर नहीं रहेंगे आपको फिर अंदर जाना पड़ेगा। तो आज क्या हो रहा है, जितने भी लोगों के ऊपर केस थे, जिन लोगों ने हमेशा किसी ना किसी वजह से पकड़े गए थे, उन सबको उन्होंने ले लिया। और बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है, बहुत बड़ा, जिस वॉशिंग मशीन में अगर डाल दिए तो जो भी कलंक होता वो धू जाता है। इतना बड़ा वॉशिंग मशीन शाहजी ने खरीदा है, उसमें ये लोगों को डालते ही वहां क्लीन हो जाते हैं और वो हमारे पास आते ही कलंकित बनते हैं। जिनका जनता का समर्थन नहीं, वो सरकार यहां आके बैठी है। हमारे लोगों को खरीद परोस करके ये नया सरकार बना। अरे कांग्रेस पार्टी ने तो गुजरात के सुपुत्र को राष्ट्रपिता मानकर सर पे रख लेते हैं। चाहे आप हाईकोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, किसी ऑफिस में जाओ, उनके सर के ऊपर, या हम कभी भी पार्टी के अंदर बैठते हैं या कभी भी कोई ऑफिस मंत्री होता है, उसके पीछे और उसके सर पे कौन सा फोटो होता है? महात्मा गांधी जी का फोटो होता है। वो कहां के हैं? वो भी गुजरात के हैं ना। तो हम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर पूज्य महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, ऐसे सभी की हम पूजा करते हैं। इनके पास सब सेलेक्टिव, जैसा वक्त आया वैसा करेंगे। पानी तेरा रंग कैसा, जो डाले वैसा। पानी तेरा रंग कैसा बोले तो जिसमें डाले वो, लाल आया लाल डाले, पीला आया पीला डाले तो पीला हो जाता है। ऐसा इनका रंग है, कहीं जाओ वो बोलेंगे आज बाबा साहब को नमन करता हूं, कहीं जाएंगे फुले जी को नमस्कार करता हूं, कहीं जाएंगे कबीर को, क्यों? सब ये वोटों के लिए। मैं पूछता हूं मोदी साहब, आरएसएस के लोगों को भी ये पूछना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को भी मैं ये पूछना चाहता हूं, 10 साल पहले कभी आपके ऑफिस में बाबा साहब की फोटो थी, फुले की फोटो थी, महात्मा गांधी की फोटो थी? जवाहरलाल नेहरू की तो छोड़िए, उन्होंने तो जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ है। सुभाष चंद्र बोस की तो फोटो थी नहीं। फोटो उस वक्त लगते हैं जब वोट चाहिए।